अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह टू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो आपके लिए है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके साथ हमेशा से ये इशू रहा है कि वो उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। वो अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सर हमारे मार्क्स कट जाते हैं, हम क्या करें। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज की स्पेशल वीडियोज़ है। बच्चों, आप ये सब बात जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो एनालिटिकल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो दो चीज़ों के ऊपर बुनियाद बन के रह गई है उनकी। नंबर वन ये है कि आपके पास अच्छी रिटेंशन हो, जो भी मटेरियल आपने बुक में पढ़ा, आपने नोट्स में पढ़ा, वो सब का सब आपके यहाँ होना चाहिए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग बहुत साफ़ सुथरी हो, बहुत शानदार हो, बहुत कैची हो, कि जैसे ही कोई चेकर देखे वो फ़ौरन नंबर देने पर मजबूर हो जाए। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरे पार्ट की, यानी राइटिंग स्किल्स के हवाले से, कि किस तरीके से राइटिंग इम्प्रूव की जाए। वो कौन सी ऐसी 6 गलतियाँ हैं जो बच्चे आमतौर पर करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। मैं शुरू की 3 बातें जो है वो बताऊंगा जिनका ताल्लुक आपकी हैबिट से है, आपकी आदत से है, और इसके बाद वाली आखिरी 3 चीज़ें मैं वो बताऊंगा जिसका ताल्लुक आपके फिजिक से है, आपके पोस्चर से है, आपके लिखने के एंगल से है, इन चीज़ों से है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों की राइटिंग हमेशा ख़राब होगी, दिखने में बहुत ज़्यादा ख़राब इंप्रेशन क्रिएट करती है उन बच्चों की जो बच्चे लिखने के मामले में चोर होते हैं, यानी उनको लिखने में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। आपने देखा होगा स्कूल लाइफ के अंदर भी कई ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिले होंगे, कई ऐसे दोस्त भी आपने देखे होंगे जो खुद काम नहीं करना चाहते थे और बस वो चाहते थे कि किसी दोस्त को पकड़ा दे कि भैया तुम ये मेरा काम करके ले आना। इन बच्चों की राइटिंग कभी अच्छी नहीं होती, हमेशा उन बच्चों की राइटिंग अच्छी होगी, साफ़ सुथरी होगी, जो बच्चे लिखने में चोर नहीं होते। यही वजह है कि आपने अक्सर सुन भी रखा होगा, बड़ा मशहूर मकौला भी है जो हमारे यहाँ ज़बान से आम है, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप लिखने में मश्क करेंगे, उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होना शुरू हो जाएगी। मश्क करने के बहुत सारे तरीके हैं। अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स को देख लीजिए जिसकी राइटिंग अच्छी है, उससे आप डेली बेसिस पे एक एक पेज, दो दो पेज आप मश्क लिखना लेना शुरू कर दीजिए, चाहे वो उर्दू हो चाहे वो इंग्लिश हो। दूसरा तरीका यह है कि मार्केट चले जाइए, और मार्केट जाने के बाद आप वहाँ पर बहुत सारी ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी जो पब्लिशर्स ने पब्लिश कर रखी हैं, शाया कर रखी हैं, वहाँ आप उनसे लें और उसके बाद उसके ऊपर लिख के अपने हाथ से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है पेन के मामले में, कि आप किस चीज़ का चुनाव कर रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है, मैं शॉप पर गया, मैंने शॉपकीपर से कहा कि भाई साहब आप मुझे पेन दे दीजिए। उसने पेन निकाल कर मेरे सामने काउंटर पर रखा, मैंने उसे पैसे दिए और मैं घर आ गया। अब होगा क्या कि जब आके मैं उस पेन से लिखना शुरू करूंगा तो मैं उस पेन के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में पेन की बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है। बॉल पॉइंट है, जेल पेन है, फाउंटेन पेन है, पॉइंटर है। चलिए आप बॉल पॉइंट को भी ले लीजिए, तो मार्केट के अंदर 20 अनवाओ अकसाम के बॉल पॉइंट्स हैं। तो एक गलती ये भी होती है, और इससे मुले का बात याद आ गई तो करता चलो कि बच्चे इस हवाले से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। सुबह पेपर है, रात में पेन लिया और सुबह जाके पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल में जाके वो लिखना शुरू करती है, कितनी गलत बात है। यानी आप एक ऐसा बल्ला लेकर वर्ल्ड कप फाइनल में बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं जिस बल्ले को आज से पहले आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, उससे खेला ही नहीं, तो सोचिए उससे फिर आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो ये दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा है कि पेन का चुनाव आपने सोच समझ के करना है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, किस चीज़ पर रवां हैं आप। ये तो होगी 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आती है आपकी हैबिट के हवाले से, जो कि अक्सर बच्चों को, चूंकि वो किसी और का जॉइंट राइटिंग लिखी हुई देखते हैं तो वो उनको बहुत एक कैची सा फील देती है, वो बहुत उसको फैसिनेट करते हैं कि यार ये देखो जॉइंट राइटिंग और कितनी अच्छी खूबसूरत। चूंकि उनकी राइटिंग पहले ही अच्छी नहीं होती और वो डायरेक्टली जॉइंट राइटिंग लिखने की तरफ जाते हैं, मेरी उन तमाम बच्चों से एडवाइस ये है कि आप गैप देकर लिखें, वर्ड्स में स्पेस देकर लिखें, जिसको आप सेपरेट राइटिंग कहते हैं। जब आप अलग अलग करके लिखेंगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस। ये तो थे आपके हैबिट्स के हवाले से। अब पोस्चर के हवाले से ज़रा बात कर ली जाए कि वो कौन सी 3 गलतियाँ हैं जो आमतौर पर बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनकी राइटिंग नहीं अच्छी हो पाती। पहली बात तो सबसे ज़्यादा ये कि जिस पोस्चर पे आप बैठे हैं, जो आपका बॉडी का बैठने का अंदाज है, दैट शुड बी कंफर्टेबल। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ऐसे टेक लगा के लिखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा झुक के लिखते हैं। आपने एक नॉर्मल पोस्चर बनाना है बॉडी का, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका जिस्म पुरसकून हो। जब आप खुद ही रिलैक्स फील नहीं करेंगे तो आप राइटिंग के ऊपर कैसे फोकस कर पाएंगे। एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जब लिखते हैं तो लिखने के दौरान बाज़ बच्चे पेपर के एंगल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यानी आपने देखा होगा
जो बच्चे सीधे हाथ से लिखने वाले होते हैं उनको चाहिए कि वो अपना जो पेपर है उसका एंगल थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे झुका लें। इससे होगा क्या कि आप अपना हाथ रख के कंफर्टेबली सुकून के साथ लिख सकते हैं, और अगर आप उल्टे हाथ से लिखने के आदी हैं तो जो आपका पेपर है वो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ झुका दीजिए ताकि आप उल्टे हाथ से लिखने में कंफर्टेबल हों। अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा, पेपर जब बिल्कुल स्ट्रेट होता है आपका तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है। देखिए, अगर मैं आपके सामने ये फर्ज कीजिए कि पेपर है और मैं इसके ऊपर ऐसे करके लिख रहा हूँ तो मेरी ये जो कलाई है, जो रिस्ट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पर अपने रिस्ट में, यहाँ इसके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये रिलैक्स नहीं। जब आप इस तरीके से करके लिखेंगे तो आप रिलैक्स मोड में लिखेंगे, लेकिन इसका ख्याल रखें बाज बच्चे बहुत ज़्यादा मोड़ के बिल्कुल ऐसे करके लिखते हैं, ये तरीका भी ठीक नहीं है। इससे भी आदत आपकी पड़ जाएगी लेकिन कुछ अरसे बाद आपको हर जगह इस तरह बैठ कर लिखने में इशू होगा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपने हाथ जब पेपर आपने लिखना है किसी पेपर के ऊपर तो जो पेन की ग्रिप होनी चाहिए, जैसे भी पकड़े हैं आप पेन पीछे से पकड़ते हैं, आप पेन आगे से पकड़ते हैं, आप पेन ऐसे पकड़ते हैं, आप पेन ऐसे पकड़ते हैं, आप पेन ऐसे, जिस तरह मर्जी पेन पकड़ते हैं इसका कोई इशू नहीं है। आप जिस तरीके से लिख सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन वो इतना दबा कर लिखते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ बच्चों को, अगर आप पेपर पलट कर देखें तो दूसरी तरफ उस तरफ का लिखा हुआ अक्स इस तरफ महसूस हो रहा होता है। अगर आप हाथ लगा कर देखें तो आपको बाज दफ़ा लफ्ज इतना वो दबा कर लिखते हैं कि वो धंस जाता है पेज, जो दूसरी तरफ से आपको उसके आसार नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर लिखना है आपने। अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें, मुझे उम्मीद है कि इन 6 चीज़ों पर अमल करने से आपको बहुत अफाका होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है हैंड राइटिंग के हवाले से तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद स्टूडेंट्स के हवाले से और इससे रेलिवेंट जितने टॉपिक्स हैं उनकी मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वस्सलाम, आपका दोस्त, आपका होस्ट कफ़ील असलम।